दोस्तों, अगर आप लोकसभा के अंदर एक इंटर्नशिप जो है वो पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है शर्विल, आप देख रहे हैं टेक बॉय। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद तो छोटा सा बेल आइकन उसे दबा दीजिए, इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी वीडियो वो मिस नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये इंटर्नशिप जो है वो पाना चाहते हैं, और इस चीज़ की सारी डिटेल जो है वो मैंने अपने फ़ोन के अंदर जो है वो डाल दी है, तो वर्ड टू वर्ड जो चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा अगर आप ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इंटर्नशिप का प्लान कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव है, इसके थ्रू जो है वो इंटर्नशिप जो है वो प्रपोज़ किया गया है लोकसभा के अंदर। और इसका मेन मोटिव ये है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं लोकसभा के अंदर, लोग कैसे काम करें, क्योंकि हमें आज तक इतना पता है कि टीवी के अंदर लोग जो है वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो है वो सारे बेंचेस पे बैठते हैं और अपनी बातें रखते हैं वहाँ पे। तो यही चीज़ समझने के लिए एक इंटर्नशिप जो है वो लॉन्च किए गई है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से लोकसभा से, कि आप 3 महीने तक या फिर 1 महीने तक जो है एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो अटेंड कर सकते हैं। और ये एक पेड इंटर्नशिप होगी, यानी कि इस इंटर्नशिप के दौरान आपको इसके लिए पैसे दिए जाएंगे और काफ़ी अच्छा अमाउंट दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटर्नशिप है वो 100 कैंडिडेट्स के लिए है। 50 कैंडिडेट्स जो है वो 3 महीने की इंटर्नशिप करेंगे, और बाकी के 50 कैंडिडेट्स जो है वो 1 मंथ की जो है वो इंटर्नशिप करेंगे। अब इस 3 मंथ के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाएगी और समझाई जाएगी, जिससे आप जो है ये चीज़ें समझ पाए। और ये मेन इनिशिएटिव इसलिए दिया गया है ताकि जो हमारा यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को समझ पाए और अपनी कंट्रीब्यूशन दे पाए, यानी कि हमारे जो यंग माइंड्स हैं हमारे पास काफ़ी आइडियाज़ हो सकते हैं जिससे चीज़ें और बेहतर हो सकती है। तो जब तक हम सिस्टम के अंदर जाके कुछ चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक हम उसके अंदर जो है वो कमेंट नहीं कर सकते। तो ये 3 मंथ की इंटर्नशिप के साथ आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अंदर है के चीज़ें समझें और उसमें कुछ इनपुट दे अपना, ताकि जो हमारा सिस्टम जो है वो और बेहतर हो जाए हम सबके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं लोकसभा के अंदर, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो लगेंगी। सबसे पहले जो एज बार है वो है 21 से 30 इयर्स के बीच में, यानी कि अगर आप 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में हैं तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डेडलाइन है और जो 3 मंथ की इंटर्नशिप जो है वो है 2 जुलाई से लेकर 28 सितंबर तक, और आप इसके अंदर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होगी, तो क्वालिफिकेशन तो सबसे पहले आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड जो है अब तक के वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए और काफ़ी कंसिस्टेंट होने चाहिए। साथ ही में अगर आप सोशल साइंस या साइंस, लैंग्वेजेस, एनवायरमेंटल स्टडीज़, लॉ, जर्नलिज्म, फाइनेंस या मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट्स के साथ भी अगर आपने कोई ग्रेजुएशन या फिर आपकी स्टडीज़ की है तो आप इससे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें ये आपको कंडीशन नहीं है कि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं या फिर एक आर्ट स्टूडेंट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप साइंस स्टूडेंट हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, लॉ स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, तो आप ज़रूर इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। जो क्राइटेरिया है, जो एकेडमिक क्राइटेरिया है, आपको बस वो मैच करना है, बाकी सारी चीज़ें एकदम सही है। साथ ही में आपको 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, और आपको ये जो केस है कोई भी केस को लेके 250 वर्ड्स का एक ऐसे जो है लिखना पड़ेगा आपके एप्लीकेशंस के साथ। यानी कि अगर आप जब अप्लाई कर रहे हो, आपकी सारी चीज़ें क्राइटेरिया मैच कर रही है, मैच करने के बाद आपको एक 250 वर्ड का कोई भी एक केस लेके आपको उसका एक ऐसे बनाना है 250 वर्ड्स में, और उसी एप्लीकेशन के साथ आपको ये ऐसे सबमिट करना है जिससे उनको ये पता चले कि आपका इनसाइट कितना है, यानी कि आप इस सिस्टम के बारे में कितना जानते हैं। अब आते हैं 1 मंथ की इंटर्नशिप के लिए। अगर आप 1 मंथ की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इसका एज गैप है वो है
आप 18 साल से बड़े होने चाहिए और 30 साल से कम होने चाहिए। आप ना उससे कम हो सकते हैं ना उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ये आपका एक एज क्राइटेरिया है। अब इसके लिए आपको क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, तो अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो परस्यू कर रहे हैं इन डिसिप्लिन, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, लैंग्वेजेस, एनवायरमेंटल स्टडीज़, लॉ, जर्नलिज्म, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सारी सब्जेक्ट्स अगर आप कहीं ना कहीं आपने स्टडी की है या फिर उसके लिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम, इस वन मंथ के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन है, यानी कि अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 5 PM 4th May। और यहाँ पे अगर आप इसकी जो डेडलाइन है वो है 5 बजे 4 May को, यानी कि कमिंग 4th May को आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी होगी, दोनों के लिए, 3 मंथ की इंटर्नशिप के लिए और 1 मंथ की इंटर्नशिप के लिए। साथ ही में इसमें एक लेटर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि ये सारी आप अगर प्रोसीजर समझ गए हैं, और हाँ ये सारी जो डिटेल्स जो है वो नीचे ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, अगर आप वीडियो में इन केस कुछ मिस हो गया हो या कुछ भी बाकी हो तो सारी डिटेल्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिल्कुल डरिएगा मत, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। अब आते हैं कि रिकमेंडेशन, यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सिफारिश नहीं है, रिकमेंडेशन। आप एक स्टूडेंट है तो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है आपके ऑनरेबल प्रिंसिपल से या फिर कोई भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके एजुकेशन में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टीचर हो सकते हैं, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके डीन हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे लोग जो हैं आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते हैं जिससे आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और हाँ, इससे ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि जो डिक्लेरेशन, यानी कि आप रिकमेंडेशन का लेटर जो है अपने सीनियर से ला रहे हैं, तो उसमें ये भी डिक्लेयर होना चाहिए कि इस इंटर्नशिप की वजह से आपकी स्टडीज़ में कोई हानि नहीं होगी, जिससे आप इजीली जो है वो इंटर्नशिप पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस तरह की इंटर्नशिप के लिए ज़रूर राज़ी होंगे और इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपके साथ उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए और आप इस तरह की जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो मिस ना करें। इसी के साथ ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियोज़ जो है मैं लाते रहूँगा और टेक रिलेटेड वीडियोज़ भी आते रहेंगे, और बीच बीच में व्लॉग्स वगैरह जो है वो मैंने आपको, अगर आपने इस चैनल को देखा नहीं है तो ज़रूर इस चैनल के अंदर जाइए और वीडियोज़ चेकआउट कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे मल्टीपल जेनर के कंटेंट्स मैंने डाले हुए हैं थोड़े बहुत, तो ज़रूर इस वीडियो को एन्जॉय कीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।